लोगों के साथ इतने पंगे लेती है? क्या तेरा हस्बैंड तुझे कुछ कहता नहीं है? वो क्या है कि शादी की पहली ही रात मैंने उसके होंठ सी दिए थे। मुझे तो उसके मुंह पे कोई टांके नजर नहीं आते। राधिका क्या तुझे जफर, इसके कहने का मतलब ये है कि इसने उसकी बोलती बंद कर दी। पर छोटी कैसे? वो क्या है कि विलियम का इटली के एक बहुत बड़े माफिया की बीवी के साथ चक्कर था। मैंने उसकी कुछ फोटोज खींच ली और पहली ही रात मैंने उसको गिफ्ट में वो एल्बम पेश की और कहा कि बच्चों आज से तू मेरा गुलाम है, मैं कुछ भी करूं तूने जहां टांग अड़ाई वहां तेरी ये फोटोज अखबार में छपवा दूंगी। मतलब वो माफिया इसकी जान का दुश्मन बन जाएगा? लेकिन छोटी ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग हुई ना। इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हमारी परंपरा है। हमारी हिंदुस्तानी औरतें अपने पतियों को हमेशा किसी ना किसी तरह ब्लैकमेल करती रहती हैं। और हमारी मम्मियाँ और दादियाँ उन्हें रोकर इमोशनल ब्लैकमेल करती थी। और हमारी फिल्मों के पुराने खोजू हीरो गाकर कहते थे, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। हाईटेक ब्लैकमेलिंग कर रही हूँ क्योंकि आजकल आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं। क्या बकवास करी है, क्या बकवास करी है ये? तुझे पता है जब मेरी सास मरी थी ना, हम लोग ने किराए पे रोने वाले को बुलाया था। 5 लाख रुपए लिए थे उन्होंने पार्टी रोने के। बात भटका मत यार, सबसे अच्छा आइडिया तो मैंने किया। वो है ना फूलन से बहुत प्यार करते। मैंने कह दिया अगर तुमने जरा भी उड़ने की कोशिश की ना तो मैं फूलन को बालकनी से फेंक कर खुद भी कूद जाऊंगी। बस उसके बाद तो पालतू सफेद चूहे जैसे हो गए। तुम सबसे अच्छा दिमाग तो मैंने चलाया। तेरे पास दिमाग है ही कहाँ जो चलने लगा। बब्बी से उधार लिया था। पहले ये इतना चिल्लाते थे, इतना चिल्लाते थे कि पड़ोस की औरतों के हाथ से बर्तन गिर जाते थे। एक दिन मैंने एक आइडिया सोचा, मैंने भी एक डायलॉग चिटकाई दिया। मैंने कहा, सुनिए जी, आपके और शाहरुख जी के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, आप उनकी तरह हकला नहीं सकते। उन्होंने सीधा जाके अपनी जबान का ऑपरेशन करवा दिया। अब गुस्सा होकर गाली देने जाते हैं तो सुबह की शाम हो जाती है। तू अपनी सुना। चुप कर। मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कभी कभी वो क्या कहते हैं वो खुद भी नहीं समझते। फिर तुम लोग प्यार मोहब्बत की बातें कैसे करते हो? राइटिंग का रिस्पॉन्डेंस चलता है हमारे बीच। हाँ, तेरे चश्मे की वजह से तुम दोनों आंखों ही आंखों में बात नहीं कर सकते होगे ना। चल। पर राधिका, उसने तुझे प्रपोज मुंह से ही किया होगा ना? पता है ये राज भी अभी एक ही हफ्ते पहले खुला। उन्होंने मुझसे बिल बुक मांगी थी। मैं समझी मेरे दिल की बुकिंग मांग रहे हैं। कसम से राधिका, तुम दोनों की जोड़ी देख के ये बात तो एकदम प्रूफ होती है दैट मैरिज इज अ मेड बाय मिस्टेक। सच कहा, वरना मैंने भी कब सोचा था कि मैं शादी करके एक बच्चे की माँ बनूंगी। सब कुछ अच्छा हुआ, बस एक ही बात का अफसोस रह गया कि काजल भाई लाइफ में सेटल नहीं हुआ। हाँ यार, उसे कितना अच्छा लाखों में एक पति मिला था ना, पर काजल ने उसे इतना टॉर्चर किया कि वो अपने मायके चला गया। अरे काजल की पति की छोड़ो, हमारे पति क्या कर रहे होंगे? लगा रहे होंगे गपशप। छोटी ये गप तो ठीक है, बट बाय द वे ये शप क्या होता है? आज तला यार तू तता तला तला तंदा पाली। नहीं ठंडा पानी पीने से मुझे साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है ना, इसलिए मैं। अरे यार मैं ठंडे पानी की बात नहीं कर रहा यार, मैं ठंडे की बात कर रहा हूं यार, ठंडे की। एक ही बात है ना भाई साहब, ठंडा पानी पीजिए या कोल्ड ड्रिंक पीजिए, उसमें फर्क क्या है? अरे भाई दे 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 दे। अरे पागल, मैं तेरी वाइफ की बात नहीं कर रहा यार, मैं तेरी लाइफ की बात कर रहा हूँ। लाइफ तेरी तली तली। अरे भाई साहब, मैं भी वाइफ की बात कर रहा हूँ। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उस बला पे प्यार आया था। एक दिन तो हद हो गई भाई साहब। पता क्या हुआ? मैं उससे डरकर शेर के पिंजरे में जाके घुस गया। तो वो मुझे वहां भी आके ललकारने लगे, कहने लगे बीवी से डरकर शेर की गोद में जाकर बैठ गए डरपोक, कहेंगे बाहर आ जाओ वरना तुम्हें आसरा देने वाले शेर के दांत भी तोड़ दूंगी बेलन से। अरे यार एक बात बोलूं, हम लोगों ने ये मामले में बहुत तोते हैं। ये
ये भी कोई कहने की बात है भाई साहब, हर शादीशुदा आदमी दुखी होता है। अरे दुखी नहीं है यार, तुती है, तुती, तुती। मैं समझाता धीरज भैया, ये कहना चाहती कि हम महापुरुष शादी करके सुखी नहीं हुए तो आप कैसे हो सकते हैं, बताइए मुझे। मैं बता दो तुझे, अरे यार तुम लोग तो डिबेट तक नहीं चलते थे यार, तो झगड़े का तो टाबला भी नहीं है। अरे भाई साहब, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में डिबेट कहां से आ गया? क्या तुम मेरे बात समझता तो नहीं है यार। देखिए भाई साहब, हम लोग इस वक्त 21वीं सदी में जी रहे हैं, ये जात पात तो कब की खत्म हो चुकी है दुनिया से। अब दुनिया में सिर्फ दो ही जात, अच्छे लोग बुरे लोग। बुरे लोग इस वक्त मेजोरिटी में है और अच्छे लोग रिजर्वेशन राइट के लिए फाइट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। अरे यार मैं तात तात की बात नहीं तलो यार, मैं बात तलो टिंडा जी की बात तलो यार। ये कहना चाहते हैं कि जी 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 बस बस कीजिए भाई साहब, ये जी 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 आप इस तरह करते रहेंगे, अरे इतनी देर में तो पूरे डेली सोप की स्क्रिप्ट फिनिश हो जाएगी। स्टॉप इट गाइस। बच्चों, तुम लोग को कभी नाना नानी की याद नहीं आती है ना बुड्ढी मोटी? 1965 के राजश्री पिक्चर्स की फिल्म का सवाल 2022 के साल के बच्चों से पूछ रही है। अरे अब तो सूरज बड़जात्या का बेटा भी एडल्ट्स ओनली फिल्में बनाता है। ये पता है? अरे नानी, हम लोग आप लोगों को बहुत याद करते हैं। अभी पिछले ही महीने मम्मी बहुत रोई थी नाना के लिए। क्यों? वो फिल्म स्टार रेखा है ना, उसने पिछले ही महीने 65 साल की उम्र में अपने से 40 साल छोटे लड़के के साथ 7वीं शादी की और हनीमून के लिए वो चांद पे गई थी। अरे रे, इसने तो बुड्ढे के दुखती रग पर हाथ रख दिया। नहीं, मुझे मम्मी ने बताया था कि नाना रेखा पे बहुत मरते थे और ये 7वीं बार उनके दिल की दुनिया उजड़ी थी। और नानी आपको पता है, उस दिन घर के सभी लोगों ने काले कपड़े पहने थे और ब्लैक डे मनाया था। ऐसा कुछ नहीं बेटे, तुझे मालूम है ना, तुम्हारी माँ की जरा पावली कम है। नाना, ये पावली क्या होती है? पावली? अबे कुछ नहीं यार, जैसे आजकल के जमाने में ये 100 रुपया 200 रुपया चिल्लर होता है ना, वैसे अपन के बाप के जमाने में ये आठना चाराना चिल्लर था यार। और कम अक्कल लोगों को पावली कम कहते हैं ये पिछड़े हुए लोग। नाना, माना कि मेरी मम्मी में जरा पावली कम है, लेकिन शादी और लफड़ों के मामले में तो वो डबल डॉक्टरेट कर सकती है। वैसे नाना, प्यार किया तो शर्माना क्या? ओए छोड़ ना फूलन भाई, क्यों ओल्ड मैन को बिगाड़ रही है? पहले ही 3 बार बाईपास करवा चुके हैं, अब अगर इस उम्र में दिल से खेल खेलेंगे तो खुद ही पास अवे हो जाएंगे। नानी, तुम भी तो कभी कोई अक्षय कुमार नाम के हीरो के सपने देखी नहीं, उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटे, उस पर इतनी लड़कियां, भाभियां और विधवाएं मरती थी कि उसने संन्यास ले लिया। आजकल वो हिमालय में गुफा किराए पे लेके राम नाम जप रहा है। 21वीं सदी में पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि रियल एस्टेट वाले हिमालय तक पहुंच गए हैं। ये ऑडियंस के इन्फॉर्मेशन के लिए है। इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुझे रखा है? औरतों के मरने की वजह से नहीं, तुम जैसे मर्दों की बद्दुआ से उसे संन्यास लेने की दुर्मति सूझी। नानी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ये मर्दों की जात होती ही ऐसी है। खुद तो बेटी की उम्र के हीरोइन के साथ बाग में घूमकर गाना गाने के सपने देखते हैं, लेकिन खुद की बीवी जब किसी मर्द के सामने प्यार भरी निगाहों से देखती है ना, तो उनके आंखों में एसिड गिर जाता है। मैं तो कहती हूँ सारी औरतों को जाकर अक्षय को हिमालय से वापस लाना ही चाहिए। रहने दे बेटे, उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं है? क्यों का? बेटा, तुमने ठीक कहा, अक्षय को वापस लाना ही चाहिए। वो आके करेगा भी क्या, अब तो वो बहुत बूढ़ा हो चुका होगा। नाना, 50 साल की उम्र में बूढ़ा होने का रिवाज आपके जमाने में होगा, लेकिन हमारे जमाने में तो आदमी 50 साल की उम्र में जवान की दहलीज में कदम रखता है। नानी, तुम है ना अक्षय को खून में एक लेटर लिख ही दो। मैं अभी जाकर ब्लड बैंक से खून की बोतल मंगवाती हूँ। ब्लड बैंक से क्यों? अरे नानी, अक्षय को कैसे पता चलेगा कि वो खून तुम्हारा नहीं बल्कि किसी कुत्ते की बॉडी से निकालकर इंसानों के लिए कन्वर्ट किया गया है।
गुड्डी बेटा, तुम्हें पता है जब हमारी स्वीटी जवान थी ना, तो वैलेंटाइन डे पे ऐसे ही पैंतरे किया करती थी। उसके जवानी के पैंतरे तुम बुढ़ापे में मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए नाना, तुम नानी को उल्मा देना क्या, वरना लेजर गन से ना आपकी नाक गुम कर दूंगा मैं। अरे बेवकूफ, ये दोनों तुम्हें लड़ा रहे हैं। इस बेटी की गुड्डी है ना बिल्कुल छोटी जैसी है, और छोटी की सोनाक्षी बिल्कुल मीनाक्षी जैसी। ये दोनों तुम्हारे हाथ में डंडा देकर खुद बिन पैसे का तमाशा देखेंगे। बीना, तुम्हें अक्षय को खत लिखना है, लिखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अक्षय को वापस आना ही चाहिए। तुमने मुझे इतनी बेशर्म समझ रखा है, जो पति के होते किसी हीरो को प्रेम पत्र लिखूंगी? ना बाबा ना। था तेरी की, गरम लोहे पे हथौड़ा मारने से पहले ही ठंडा। नहीं लड़े यार, साले आज करके बुढ़े ही बहुत शाने हो गए यार। अच्छा, तो ये सब हम इन दोनों को लड़ाने के लिए कर रहे थे? चोर! दरवाजे पे कोई आया है। बहुत धमाला है ना सचमुच। Where were you, my baby? लाड मत करो, कहाँ गए थे तुम लोग बिना बताए? कसम से यार, पूरी दुनिया सुधर गई, लेकिन ये इंडियन माँ बाप वहीं के वहीं रह गए। अरे वो तब दाने दो, लेकिन तुम लोग तब कहाँ गए थे, ये भी तो तोलो। शाहरुख जी के घर पे गए थे। क्या? हाँ, बुड्ढी ने कहा बम्बई तक आए तो चलो चल के मेरी मम्मी का पहला प्यार देख लेते हैं। ऐसी कौन सी बात है उसमें जो आज तक मेरे डैडी को हकलाना पड़ता है। तुम लोग को शाहरुख जी मिले? नहीं मिले, चांद पे गए गौरी आंटी और बच्चों को लेकर छुट्टियां मनाने। पाकीज़ा के जमाने से चांद के पीछे पड़े ये फिल्म वाले, अब तो चांद पर ऐसे जाते हैं जैसे स्विट्जरलैंड या साउथ अफ्रीका जाते हो। ए चल ना, अपन भी चलते हैं दो हफ्ते के लिए, चाहो तो इस मोटी को भी ले लो साथ। दरवाजे पे कोई आया है। एक मिनट स्वीटी आंटी। बोलो बेटा। ये दरवाजा आप नहीं खोलेंगी। क्यों? क्योंकि दरवाजा खोलने का शौक हम भी तो फरमाते हैं। गुस्ताख लड़की, तुझे इतना नहीं पता पूरे हिंदुस्तान में दरवाजा खोलने का शौक सिर्फ स्वीटी का हुआ करता था। था ना, अब ये शौक हमारा भी है। यू नो स्वीटी आंटी, अमेरिका में ताली बजाकर दरवाजा खुल जाता है, लेकिन हमने अभी भी ये पुराना सिस्टम कायम रखा है ताकि हम अपने शौक फरमा सके। ये मेरे मायके का दरवाजा है, इसे खोलने का हक सिर्फ मेरा है। नहीं, ये मेरे ननिहाल का दरवाजा है, और ननिहाल के घर में हर चीज माँ का दहेज समझकर हमारे बाप की होती है। अरे भाई, दरवाजा कोई क्यों नहीं खोल रहा है? डैडी, ये लोलो की बच्ची को समझा दो कि ये दरवाजा सिर्फ मैं ही खोलूंगी। नाना, ये गुड्डी की बुड्ढी को समझा दो कि ये दरवाजा सिर्फ मैं ही खोलूंगी। ठीक है, ये दरवाजा खोलने को तुझे मेरे लाश पर से गुजरना होगा। नो प्रॉब्लम। फूलन भाई, ओ फूलन भाई, जरा बाहर तो आना। क्यों गला फाड़ रही है, क्या बात है? अरे फूलन भाई, जरा स्वीटी आंटी को शूट तो करो ताकि मैं इनकी लाश पर से गुजर के ये दरवाजा खोल सकूं। अरे जान से मारने की क्या जरूरत है, अभी पैर में गोली मार देते हैं। ये देख। बाहर आया आदमी खड़े खड़े सड़ जाएगा। सरकार मर जाने दो, मगर ये दरवाजा सिर्फ लोलो खोलेगी। अरे डफर जूनियर और डफर सीनियर को मिलकर दरवाजा खोलने बोलो ना। मिलके दरवाजा खोलो। हाँ, मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं, लोलो मैडम अपना शॉप किसी एरे गेरे नथु खेरे के साथ शेयर नहीं करती। क्योंकि तुम मेरी आंटी हो इसलिए तुम्हें एक चांस दिया। तुम भी क्या याद रखोगी किस शहजादी से पाला पड़ा है? मैं भी नहीं दरवाजा खोलती, हम अपने हक की चीज किसी से दान में नहीं लेते। हाँ। हटेली वर्सेस हटेली मुकाबला, चलो हटो, मैं ही जाके दरवाजा खोलता हूँ। आओ आओ पब्लिक, आओ आओ आओ। गुरु मैया, मेरी चेली, मेरी शिष्य, मेरी चुन्नू, मेरी बंधु, मेरी बेटी, कैसी है तू रे? जिंदगी की शाम होने चली है, मैं सूरज डूबने का इंतजार कर रही हूँ। तूने तो शेर और शायरी भी शुरू कर दी, ये नया शौक तूने कब से पाला है? अमित जी को जब से तलाक दिया है टाइम पास का कुछ तो जरिया चाहिए। तूने अमित जी को तलाक दे दिया? हाँ, क्या बताओ गुरु मैया,
अमित जी की काली लहराती हुई जुल्फों में मेरा दिल आ गया था। वही बाल झड़ गए, टकला ऐसे चमकता था जैसे हेलीकॉप्टर के हेडलाइट्स। रात को सोते वक्त नाइट लैंप का रिफ्लेक्शन सीधा आंखों में आता था। बे हटेली, आजकल तो बाल ऐसे उगाए जाते हैं इंजेक्शन से जैसे खरबूजे की खेती होती है। इस बात का एहसास मुझे अमित जी को डिवोर्स देने के बाद हुआ। छोड़ ना, जो हुआ अच्छा ही हुआ, एटलीस्ट बुढ़ापे में मंगलसूत्र लटकाने का हेडेक तो नहीं रहा। हाँ। अच्छा ये पता, तेरे बाल बच्चे कैसे हैं? बालों की बात तो मैंने अभी की, बच्चे दोनों भी सेटल है। हाँ? बड़ा अमेरिका की जेल में है और दूसरा काजल भाई की गैंग में ही है। बोलो क्या माँ है, बच्चे गुंडे हो गए और बोल रही है सेटल हो गए। चलो चलो अंदर चल के बातें करते हैं। दरवाजे पे कोई आया है। अच्छा, इसने मुझे उल्लू बनाया। Jack and Jill went for a date, falling in the ditch was their fate, and they came home very late, still they are each other's mate. Sweetie, कैसी हो पूजा? सुनील नहीं आया? बीना मैं अच्छी हूँ, उन्हें किसी काम से ना बाहर जाना पड़ा। हाँ पिछले ही हफ्ते लॉस एंजलिस में मिले थे मुझे, गंगा की बेटी वहाँ कैबरे करती है और वो वहाँ किसी का इंतजार कर रहे थे। गंगा का इंतजार कर रहे होंगे है ना? रहने दो, मेरा सुनील तो पिछले हफ्ते अरबिस्तान में था। अरबिस्तान में क्या ऊँट खरीदने गए थे पूजा नानी? नानी सुनकर अटैक आता हो, वो तो नानी सुनकर मरी गई होगी ना। अरे बेवकूफ लोगों, वो बेहोश हो गई है। ठीक है मैं कुछ करता हूँ, सुनो सब मिलकर बोलो, उठो पूजा आरती। कादर भाई मुबारक हो, काजल भाई के घर में केक पर टाइम बम फिट करके पहुंचा दिया। शाबाश लालिया, अगर ये टाइम बम वक्त फटा ना तो जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक के अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह बन जाएंगे हम। अगर नहीं फटा तो कब्रिस्तान में 6x2 के एरिया में 2 गज जमीन के नीचे मिलेंगे। चुप! कालिया। यस बॉस। अपने आदमियों को काजल भाई के घर के 2 किलोमीटर की दूरी पे बैठाओ, दूरबीन लेके धमाके की पहली खबर हमें सुनाए और दूसरी तेरे बाप को। अगर तू कहे तो हाथ में मैं फरसा लेने के लिए भी तैयार हूँ। आखिर जिंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया, बेटियां, दामाद, नवासियां, और क्या चाहिए मुझे? मेरा प्यार। तो पिछले 40 साल से मैं क्या कर रहा हूँ? अरे वाह, क्या कमाल का चश्मा है, मुझे तो इसमें से सब कुछ आर पार नजर आ रहा है। क्या बात है यार, लाला फिर मैं भी देखना चाहता हूँ। पुनः करते ही चश्मा। रुकना यार मासी। क्या बात है मासी। अरे इसमें तो घड़ी फिट की है। अरे छोड़ो इसकी बात और डैडी आप सेरेमनी शुरू करो। डैड कैंडल बुझाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो अप्पू ने कहा था ना इस केक में घड़ी है। चुप कर यार तू, ये तो टाइम बम है। समझ चुप जाओ, अप्पू ने से बाहर फेंक देता है। अरे तादल भाई ये तो बहुत लॉन्ग बम है, दाम भी तूते देना 1 किलोमीटर के एरिया था। टट्टा ना तल देना। तो क्या टट्टे क्या कर रही है? डैड इनका मतलब है कि ये जहाँ भी फूटेगा किलोमीटर का एरिया उड़ा देगा। हाँ। ए काजल को कहो बम को बाहर फेंक दे, मैं तो इसे उठाकर समुंदर में फेंक दूँ। और तुझे कुछ हुआ तो? अरे पागल हो गए हो क्या, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे बम क्या, एटम बम भी नहीं उड़ा सकता। मैं इसे फेंकता हूँ। मैं तुम्हें बम के पास नहीं जाने दूंगी। एक बार ट्राई तो करने दो फेंक के। अरे 30 सेकंड बाकी है। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ मुझे, छोड़। क्या हुआ? कुछ नहीं,
समुंदर में खड़े दो जहाज और गेटवे ऑफ इंडिया का एक हिस्सा उड़ गया। हे भगवान, हम बच गए। ये भूतनी, तेरा कमाल है, आज तुमने हमें बचा दिया। थैंक यू वेरी मच।